हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सही सलामत होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे वीडियोस देखने के लिए, लाइक एंड कमेंट करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। आइए देखते हैं हम रॉलन SPD-SX में जितने भी हमारे पास वेव्स हैं उनको, जितनी भी हमारे पास किट हैं, तो किट के हिसाब से कैसे हम उनको असाइन कर सकते हैं, लगा सकते हैं क्यू में, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े देखना हो तो हम किट के हिसाब से, किट के नाम से सीधा उस वेब तक पहुंच सकें। उसका कोई फंक्शन करना है, उसको कुछ जोड़ना है, डिलीट करना है, कुछ फंक्शन उसके साथ रिलेट करना है, तो सारी लिस्ट को हम किट के हिसाब से, जैसे ये किट का नाम है ड्रम एंड बीट्स, तो ये भी है, ये किट है हिप हॉप, तो ये किट किट के नाम है अपने। आपको पता ही है 9 पैड को किट कहते हैं, जो 9 पैड हैं यहाँ इसमें, पैड में रोलन SPD-SX पैड में 9 पैड हैं, तो 9 पैड को हम किट कहते हैं और उनके नाम हैं ये। तो जो वेव लिस्ट है उनको इन नामों के हिसाब से, किट के हिसाब से भी हम लिस्ट में लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। पैड को ऑन किया, मेनू में गए, ये लास्ट आया यूटिलिटीज में, हम लिस्ट देखते हैं पहले, वेव की लिस्ट है ये, तीस लास्ट जो आइकॉन है यूटिलिटी, तो इसको एंटर बटन से एंटर करते हैं और ये आया वेव लिस्ट। ठीक है, ये हमारे पास वेव लिस्ट है, इसको फिर एंटर बटन से हम देखते हैं लिस्ट में क्या है, कैसे हैं। तो ये सारे वेव्स हैं जो नंबर है, इनके नंबर के हिसाब से है ना। इसमें किट का कोई जिक्र नहीं है कि कौन सा वेव किस किट का है, किस किट को हम देख रहे हैं, ढोलक का है, ड्रम का है, फ्लूट का है, तबला का है, पंजाबी है, बंगाली है ना, या कुछ अपने सैंपल जो डाले हुए हैं उसका है, गरबा है, भांगड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, खाली नंबर के हिसाब से, जितना नंबर है 1 2 3 4 उसके हिसाब से ये पूरी लिस्ट है। तो इस लिस्ट को हम अगर किट के हिसाब से डालना है, अगर कुछ दोस्तों को किट के हिसाब से नंबर नहीं तो किट के हिसाब से देखना अच्छा लगता है, तो ये 1 नंबर का है, इसमें क्लैप है 1 नंबर, तरह तरह के क्लैप हैं इसमें। तो जब हम किट के हिसाब से इसको अब हम डिफॉल्ट कर लेंगे, ऑन कर लेंगे, लगा लेंगे, तो किट में जितने भी 9 पैड में जो फंक्शन है वो लग जाएंगे और वही लिस्ट में दिखाई भी देंगे। तो करने के लिए हम क्विक मेनू जाएंगे, क्विक दबाया, तो ये जो नंबर लिस्ट है इसको हम असाइन में लाते हैं। कर्सर से नीचे गए, यहां असाइन लिस्ट आया, असाइन लिस्ट असाइन करेंगे तो किट के हिसाब से आपकी लिस्ट बन जाएगी। तो असाइन को एंटर करेंगे तो यहां पर उसका डॉट बॉल भी, डॉट भी आ जाएगा यहाँ। अब ये एंटर करता हूं मैं, ये एंटर किया, यहां पर देखो ये डॉट आ गया, अब किट के हिसाब से है ये। अब देखिए किट का नाम आ गया, ये लिस्ट है, इसमें नंबर कोई भी किधर किधर गया, लेकिन ये किट किट का हिसाब आ गया। देखिए किट का नाम लिखा है ना,
किट नंबर 27, ये डफ किट है, मैंने बना के रखा, डफ किट आ गया है ना, ये नंबर से और ये किट। तो ये ढोलक किट, ये किट का नंबर है 26 नंबर, जो किट है इसमें उसका नंबर, और ये ढोलक। इस तरह से किट के नाम, ये 24 नंबर किट न्यू किट, इसमें जो है ये है इधर, ये भी देखो किट नंबर 22 पंजाबी सेकंड। तो इस तरह से ये लिस्ट अब यहाँ भी है किट नंबर 21। तो इस तरह से हमारी ये किट पूरी लिस्ट किट के हिसाब से बन गई है। बीच बीच में जैसे ये मोंटानो किट नंबर 6, ये सारे हम अब इसको वेब को अगर ढूंढना तो किट के हिसाब से ढूंढेंगे, है ना। ये 2 नंबर किट टेम्पो। तो ये हुई हमारी किट वेव लिस्ट, जो किट के हिसाब से वेव लिस्ट हम बना लेते हैं। इस तरह से हम बनाते हैं रॉयल एनफील्ड SPDSX में किट वेव लिस्ट, एग्जिट करते हैं। तो दोस्तों ये थी किट वेव लिस्ट। इस तरह अपनी सुविधा से हम नंबर के हिसाब से भी और किट के हिसाब से भी वेव्स को सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।